नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एम सिक्स श्योर गेन के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे चार्टिंग पैटर्न्स की। जैसे कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देंगे, उन्हीं में से आज एक विषय है हमारा जिसमें हम आपको सिंगल कैंडल पैटर्न के बारे में बताएंगे। सिंगल कैंडल पैटर्न इसमें ये होता है दोस्तों कि जो कैंडल्स होती हैं कैंडलस्टिक चार्ट में जो कैंडल्स बनती हैं उनमें कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उन पैटर्न्स के हिसाब से अज्यूम किया जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन किधर की ओर जा सकती है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, तो पूरा देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। और अगर आप जानकारी चाहते हैं स्टॉक मार्केट की या फिर टेक्निकल एनालिसिस की तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा ताकि आपको आने वाले अपडेट्स बहुत जल्दी और सबसे पहले मिल पाएँ। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो कैंडल के पैटर्न होते हैं उनसे हमें ये आइडिया लगता है कि किस तरीके से मार्केट जा सकती है, किधर की तरफ रुख कर सकती है। तो जो सबसे पहला यहाँ पर हमें पैटर्न देखने को मिलता है दोस्तों वो होता है ये, यानी कि मारुगोजू। मारुगोजू में हमारे पास दो अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, एक होता है बुलिश मारुगोजू और एक होता है बेयरिश मारुगोजू। इसमें एक बड़ी सी कैंडल होती है जिसमें ना ही कोई टेल होती है, सिर्फ बॉडी बॉडी होती है, यानी कि इसमें जो ओपनिंग होती है वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है और जहां पर क्लोजिंग होती है वही मार्केट का ऑलमोस्ट हाई होता है। यानी कि अदरवाइज जब आप अनॉर्मली कैंडल्स में देखते हैं तो आपको वो होती है टेल, तो इस तरीके की कोई टेल दिखाई नहीं देती आपको और आपको सीधा सीधा एक बॉक्स जैसा दिखाई देता है, उसको हम मारुगोजू बोलते हैं। और उसका जो साइज़ है दोस्तों वो भी थोड़ा बड़ा होता है नॉर्मल कैंडल्स के मुकाबले। जैसे कि जो नॉर्मल कैंडल्स आप देख पाओगे आसपास में बन रही होंगी उन कैंडल्स से वो बड़ी कैंडल होती है, एक साथ एक बुलिश मोमेंट देती है या एक साथ एक बेयरिश मोमेंट देती है नीचे की साइड, तो वो मारुगोजू बोलते हैं। आगे मैं चार्ट में जब आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको सारे एग्जांपल्स एक एक करके दिखाऊंगा। मारुगोजू का कंसर्न ये होता है दोस्तों कि अगर बुलिश मारुगोजू बना है आपका तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसे ही अगर बेयरिश मारुगोजू बना है तो वहाँ पर मार्केट के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये हो गया मारुगोजू। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों उसको हम कहते हैं हैमर। वो थॉर मूवी देखी ना आपने, जैसा उसमें होता है उसके पास जो एक हैमर जैसा, वैसा सेम ऐसे तरीके का पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। जो आपको हैमर दिखेगा वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, इसमें इसमें दोनों तरीके के हैमर्स होते हैं जहाँ पर एक लंबी सी टेल के साथ, इसमें एक लंबी सी टेल होती है और एक हैमर साइज का बॉक्स होता है यानी कि बॉडी होती है और छोटा सा ऊपर की साइड एक टेल निकला होता है। ठीक है, कई बार हैमर्स में टेल नहीं भी होता है बट वो डंडी से उसको हम एनालाइज करते हैं कि जो यानी कि जो टेल का साइज है, जो टेल जितनी बड़ी होगी उसका यानी कि 1/3 आप लगा सकते हो, 1/3 यानी कि अगर एक इतनी बड़ी डंडी है तो उसका दो हिस्सा आपका टेल में आएगा और एक हिस्सा जो है वो आपका बॉडी में आएगा। ठीक है, उसको हम हैमर कहते हैं। हैमर बनने से क्या होता है कि अगर बुलिश हैमर बना यानी कि नीचे मार्केट जा रही है और वहां पर एक ग्रीन कलर का हैमर बन गया तो वहां से क्या होगा दोस्तों, मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस रहेंगे। ऐसे ही बेयरिश हैमर जो बनता है, इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं जिसको, अगर उल्टा हैमर बनता है तो वहां से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस होते हैं। उसको भी मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा कि किस तरीके से हैमर काम करता है और हैमर आने के बाद कैसे मार्केट मूवमेंट करती है। हर बार तो ये चीज़ें काम नहीं करती हैं दोस्तों, लेकिन 70 से 80 बार ये चीज़ें काम करती हैं, तो आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल भी है वीडियो और ये चीज़ से आप उसको प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको थोड़ा मार्केट का आइडिया भी लगेगा, आपकी एक्यूरेसी लेवल इंप्रूव होगी। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आते हैं हम। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों डॉजी। ठीक है, डॉजी के तीन अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं। बेसिकली डॉजी में क्या होता है कि जहाँ पर मार्केट ओपन हुई होती है ना ऑलमोस्ट वहीं पर क्लोज होती है और एक लंबा सा हाई है, एक लंबा सा लो बनता है और वो कुछ स्टार टाइप का कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, उसमें क्या है कि आप अलग अलग तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीन अलग अलग तरीके के डॉजी होते हैं। पहला होता है दोस्तों डॉजी ग्रेवस्टोन। उसमें क्या होता है कि एक यानी कि अगर एक पूरी बॉडी, एक पूरी कैंडल की मैं बात करूं तो उस कैंडल का 10%
जो होता है वो बॉडी होती है और बाकी 90% उसकी टेल होती है, वेदर अपसाइड और डाउनसाइड, ठीक है। तो उसको हम डॉजी कह देते हैं। और ग्रेवस्टोन में क्या होता है कि वो जो बॉडी है वो इधर ऊपर की साइड होगी या फिर नीचे की साइड होगी। नॉर्मल जो डॉजी होता है उसमें वो बिल्कुल बीचों बीच होती है, यानी कि ज़्यादा फर्क नहीं होता है, यानी कि अगर 40% अप है तो 60% डाउनसाइड मूवमेंट होगी, या फिर 60% अपसाइड मूवमेंट है तो 40% डाउनसाइड मूवमेंट होगी, इस तरीके से होता है वो नॉर्मल डॉजी में। ग्रेवस्टोन में क्या होता है, ग्रेवस्टोन में आपको वो नीचे की साइड या ऊपर की साइड मिलेगा, यानी कि जो बॉडी है वो या तो ऊपर 10% नीचे आने के बाद नीचे आपको दिखाई देगी, यानी कि 20-80 का रेशो होगा या फिर 80-20 का रेशो होगा, इस तरीके से बॉडी और जो टेल है उसका बीच का जो डिफरेंस होगा वो उस तरीके से होगा, ठीक है। ये होता है ग्रेवस्टोन डॉजी, ठीक है। उसके अलावा एक और होता है, उसको कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डॉजी। ड्रैगन फ्लाई डॉजी कुछ इस तरीके का दिखता है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जो आपका कैंडल जो होती है ना, उसमें ऊपर की साइड एक हल्की सी बॉडी की लेयर होती है, लाइन होती है, और उसके नीचे पूरा का पूरा टेल होता है, ठीक है। इन इन सब डॉजी से क्या होता है, जो डॉजी तो होता है, जो मेन डॉजी है वो आपको न्यूट्रल पोजीशन या फिर पोजीशन चेंज के बारे में आइडेंटिफाई करता है कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। और जो ग्रेवस्टोन डॉजी है वो भी आपको इस तरीके से दिखाता है कि अगर वो इन्वर्टेड फॉर्मेशन में है, उल्टा है, तो दैट मीन्स मार्केट कैन गो डाउन, नीचे जा सकती है, और अगर वो ऊपर की साइड है तो वहां से ऊपर जा सकती है। सेम कॉन्सेप्ट आपका ड्रैगन फ्लाई का भी है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करते हैं ये। अभी मैंने आपको कौन कौन से बताए हैं दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया है हैमर, ठीक है, और मैंने आपको बताया है मोरबोजू, ठीक है, और मैंने आपको बताया है डॉजी, ठीक है। इसके बाद एक और पैटर्न होता है जिसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में आप उसको एक पर्टिकुलर कैंडल से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और मल्टीपल स्पिनिंग टॉप्स भी बनते हैं। कई बार जब कंसोलिडेशन होती है, मूवमेंट नहीं होती है मार्केट में, तो मल्टीपल स्पिनिंग टॉप्स बनते हैं। स्पिनिंग टॉप कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें ये होता है कि एक छोटी सी बॉडी और उसके साथ ऊपर और नीचे दोनों साइड छोटी छोटी सी टेल होती है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में जो मूवमेंट हो रही है वो अभी अच्छी खासी नहीं हो रही है, यानी कि वॉल्यूम नहीं आ रहा अभी। जब वॉल्यूम कम होता है तो इस तरीके की कैंडल्स बनती हैं, और वो एक साथ लाइन से दो तीन भी बन सकती हैं। तो जब उधर आपका ये इस तरीके का मूवमेंट बने तो आप ये समझ लीजिएगा कि अब ट्रेंड चेंज कभी भी हो सकता है, किधर की साइड भी आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो जो हमारा स्पिनिंग टॉप है वो हमेशा ब्रेकआउट के लिए काम करता है, वहाँ से ब्रेकआउट बनने के चांसेस बनते हैं, उसके बारे में वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो कभी आप किसी ट्रेंड में बैठे हो तो आप अगर आपको दिख जाए स्पिनिंग टॉप्स बन रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि अभी वॉल्यूम कम आ रहा है, अभी मूवमेंट ब्रेकआउट का वेट कर रही है। जैसे ही किधर की साइड भी ब्रेकआउट होगा मूवमेंट उधर की साइड चली जाएगी। ये था स्पिनिंग टॉप, ठीक है, स्पिनिंग टॉप लट्टू जैसा दिखता है ये। तो उसके अलावा एक और पैटर्न होता है दोस्तों, उसको कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। शूटिंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, एक बहुत लंबी सी टेल और बहुत ऊपर से एक हाईएस्ट हाई बना के एक टेल नीचे की साइड आती है, या फिर एक लोएस्ट लो बना के टेल ऊपर की साइड जाती है, और वहाँ पर एक छोटी सी बॉडी हमें देखने को मिलती है। और वो बॉडी का अगर मैं परसेंटेज में एग्जांपल दूँ तो वो 10-15% के बीच, या मैक्स टू मैक्स 20%, तो 10-20% के आसपास आप समझ सकते हो कि अगर बॉडी हो और एक लंबी टेल हो जो कि 70-80% और वो भी टॉप हाई से नीचे की साइड, या फिर टॉप लो से, यानी कि लोएस्ट लो से ऊपर की साइड आती है और हाईएस्ट हाई से नीचे की साइड आती है, तो उस वक्त पे ट्रेंड चेंज का इंटीमेशन दे रही होती है। अगर रेड कलर की है ऊपर से नीचे आ रही है शूटिंग स्टार, तो इसका मतलब है कि मार्केट में डाउनफॉल आने के चांसेस हैं, नीचे जाने के चांसेस हैं। वहीं अगर नीचे से ऊपर आ रही है तो वहां पर आपके अप ट्रेंड यानी बाइंग के चांसेस हैं। तो अब चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लाइव प्रैक्टिस में दिखाता हूं किस तरीके से ये चीजें दिखती हैं और किस तरीके से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।